सो हाय एवरीवन, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे आप 25 में देने का सोच रहे हैं या आप 26 का या 27 या जब भी इच्छा हो आपका, ठीक है। बट इस वीडियो से आपका फ़ायदा क्या क्या होने वाला है, एक तो पहले आपका टाइम जो है वो बिल्कुल, मतलब जो साल साल इतना जो लगता है वो उसमें भी बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। आपका जो पैसा कहीं भी, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैसेज आता है कि हम ये कोचिंग में इंस्टीट्यूट में ऑर्डर मतलब एडमिशन ले लिए हैं अब, बट हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है एनसीईआरटी कैसे चालू करना है, क्या टेस्ट सीरीज और क्या क्या करना है, मतलब कैसे बहुत सारा चीज़ है। देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो है कि रिज़ल्ट तो पहले यहाँ पे है रिज़ल्ट, लेकिन ये जो बाद पीछे का जो प्रक्रिया होता है ना, सबसे ज़्यादा साल जो है वेस्ट इसी में होता है और मेरा भी हुआ है। सो ये बात हम इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए एलिजिबल इसलिए क्योंकि मैंने भी कई साल इस पर दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो हो सकता है क्या बिल्कुल लंबा होगा ही, क्योंकि मुझे समझाना है। बाकी अगर एक भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा होता है, प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, क्योंकि आपको पता है टारगेट मिशन का एक ही एम है, वीडियो कैसा भी हो आई डोंट केयर, बस एक भी अगर बच्चे को समझ में आ रहा है, अगर एक का भी पैसा बच जाएगा ना तो मुझे खुशी होगा। बाकी जिनको देखना है देखें, जिनको सीखना है सीखें, और जो ना देख सके वो तो कोई बात नहीं। देखिए मेरा एक सिंपल लॉजिक है आपसे कि हम क्या करते हैं, पहले जो जो काम करते हैं वो बता रहे हैं कि हम जब प्रिपरेशन चालू करते हैं, ये हम क्यों कह रहे हैं इसलिए क्योंकि मैंने भी किया है। तो हम लोग को ऐसा लगता है ना कि जो बुक है या जो मतलब कुछ भी है तो पहले लिख लो अपने कॉपी में, नहीं तो पता नहीं क्यों ऐसा हम लोग को लगता है कि बुक उड़ जाएगा या बुक हमसे कोई छीन लेगा या पूरी दुनिया से ये किताब गायब हो जाएगा, पता नहीं क्यों लगता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने भी ये गलती की है, ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं। जो स्टूडेंट कर रहे होंगे तो संभल जाएंगे, इसलिए ये जितना कुछ बताएंगे, अगर आप रिलेट कर रहे होंगे तो कमेंट करिएगा कि इस चीज़ से तो हम रिलेट कर रहे हैं कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा लग रहा था कि मतलब एनसीईआरटी का नोट्स बना लेते हैं, यहाँ से नोट्स बना लेते हैं एकदम अच्छे से लाल पीला हरा कलर पेन से, मतलब जो मन हो रहा है जितना मिल रहा है लिखो लिखो, मतलब अपना कॉपी बनाओ ऐसे जैसे कि मेरा कॉपी छपने वाला है ऐसा। बट ये जो है, ये जो अपना हरकत ये है, ये हरकत बिल्कुल मतलब वाहियात है, बिल्कुल ख़राब है, टाइम वेस्टिंग है और इसमें मेरा भी बहुत समय गया। सो अब आपको ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। तो क्या करना है बताते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक तो ये नोट्स वगैरह का ही सब बात हुआ, जो भी उतारने वाला कॉपी बनाने वाला। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जैसे ही हमारे माइंड में यूपीएससी आता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है, हार्ड है, चाहे जो भी हो ठीक है, पहले रुकिए ज़रा। लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि कोई कोचिंग में इंस्टीट्यूट में इनरोल कर लो, मतलब जब तक 1,00,000 रुपये ना दिखे ऐसे कि मतलब कोई तुमसे पूछे कि भैया तुम यूपीएससी का तैयारी करो तो कौन सा कोचिंग लियो, तो मुंह से निकलना चाहिए कि फलाना ढिमका ऐसे ऐसे कोचिंग लिए हैं और कम से कम 1,00,000 रुपये 65,000, 70,000, 80,000, 90,000 ऐसे ऐसे दिए हैं, तो एक फील आता है कि अरे यूपीएससी का कोचिंग कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसे फंसे हुए हैं कृपया इससे दूर हो जाएं, ठीक है, इससे दूर हो जाएं ऐसे करके, ठीक है, इससे दूर हो जाए, ठीक है। ये दो चीज़ हुआ। तीसरा चीज़ ये हुआ कि हम लोग मतलब एक चीज़ और है, ये तो लिखने वाला है लेकिन और एक चीज़ है जो मेरे में भी था, मतलब ये जो भी चीज़ बता रहे हैं हम खुद किए हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो एक चीज़ ये था, क्या दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स वाई जेड कोचिंग का ये इंस्टीट्यूट का ये नोट्स है, ठीक है, और अब हमको लग रहा है कि ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब क्या लिखा है, ओ माई गॉड क्या लिखा है, तो बस हम प्रिंट आउट वाले भैया के पास गए और घर से पैसा लिए और प्रिंट आउट वाले को बोल दिए कि भैया इसका ना प्रिंट आउट निकाल दीजिए और ले पेपर इतना 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 था, ये पेपर इतना हो गया, और एकदम खुश हो गए, मतलब इतना जल्दीबाजी है कि भैया दे दो बस और पैसा ले जाओ। तो ये भी है। तो अब आप बताइएगा कि तीनों में से क्या ही आप रिलेट कर रहे होंगे। और चौथे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि बस आज से चालू किए 6 महीने में तैयारी करके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब हो जाएगा, बस अब हो गया। तो ये सब जो जितने लोग भी सोच रहे हैं ना, और जितने लोग जो YouTube पे देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि 1 साल में मैंने तैयारी की, ऐसा कोई भी नहीं है,
कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जो एक साल में प्रिपरेशन करके आपको एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट भी आ गया, नहीं। आप सुनते होंगे कि मेरा 2 अटैम्प्ट लगे, 4 अटैम्प्ट, क्यों लगा? क्योंकि हम सीखते हैं, ये एक प्रोसेस है। हम यहाँ गलती किए तो यहाँ पे हम सीखे, यहाँ गलती किए तो सीखे, ऐसे। अब दूसरी बात, जो स्टूडेंट 12 पास आउट अभी हैं, जो स्टूडेंट 12 पास आउट हैं, मतलब उनसे भी मेरा भी रिक्वेस्ट है, खैर ये उनके लिए नहीं है, ये जो ग्रेजुएशन में है या जो पीजी में है या जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि जो आपके सामने जो मतलब यूट्यूब पर बताता है लोग भी, जो भी एज ए मतलब कोई भी टॉपर बताते हैं कि मैंने 1 साल में प्रिपरेशन किया है, मैंने 6 महीना, तो उनका थोड़ा बैकग्राउंड एक बार चेक कर लीजिए। और हम लोग कहाँ बीए और एमए वाले हैं या कोई भी है, और उन लोग का एक बार आप चेक करिए कि कोई स्टूडेंट है जो आईआईटी निकाला तो कितना बार पढ़ा होगा, उस लेवल का अपना ब्रेन को ब्रेन स्टॉर्मिंग किया होगा, तब वो जाकर यहाँ पे, फिर यहाँ भी 4 बार में मतलब जो इंजीनियरिंग का कोर्स है, मेडिकल का कोर्स है, तो उसमें भी उन्होंने सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर पढ़ पढ़ कर उतना किताब पढ़े। और एक बार हमारा थोड़ा झांक लीजिए बैकग्राउंड, हम लोग बीए 1 साल में एक बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और भी पता है कि यही 15 सवाल में से क्वेश्चन आने का उम्मीद है, इसी को पढ़े जाके एग्ज़ाम दिए, और हम अपने आप को भी क्या इन्हीं से मतलब कंपेयर करेंगे? नहीं, गलत। मेरा कुछ अलग है, इनका कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, सबका अपना अपना लगा है। इतने सारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो देख रहे होंगे, इसीलिए बोले वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर हम ऐसे नहीं सोच के पढ़ाते हैं या बताते हैं कि ये हम YouTube पर डालेंगे, हमको ऐसा लगता है मेरा कोई भाई बहन सुन रहा होगा, सो हम तो बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग को देखना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा भी है कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मालूम ही नहीं कि इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन किसके किसके साथ है। अब वो स्टूडेंट भी आए और बोले कि हमको UPSC करना है और 1 साल में ही करना है, तो आप खुद को झूठ मूर्ख मत बनाइए, अपना यहाँ पे देख लीजिए इस स्केल पे कि आप कहाँ हैं, ठीक है? उस हिसाब से देखिए कि हमको यहाँ पहुँचना है और हम कहाँ हैं, तो ये ज़रूरी है अपने आप को नाप लेना कि हम कहाँ हैं, ठीक है? यहाँ तक तो बात हो गया, और बाकी जो छूटेगा या कुछ भी और तो आप लोग पूछिएगा। अब थोड़ा सा एड्रेस किया जाए कि हम आपका क्या हेल्प करेंगे। हम आपका ये हेल्प करेंगे कि जो चीज़ हम सीखे हैं, जो हम टाइम लगाकर खुद में मतलब इम्प्रूव करने का कोशिश किए हैं, जो टाइम वेस्ट किए हैं, उन सब से हम आपको क्या सिखाते हैं, मतलब क्या सिखा पाएंगे। देखिए हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिए थे, ये मतलब पहला वीडियो जहाँ पे हम अपने जर्नी को बता रहे हैं, ठीक है? और मतलब मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ और मेरा पीजी हो गया, यानी कि 3, 2, 5 साल, 5 साल में क्या क्या किए, मतलब अच्छे से कोर्स वगैरह कंप्लीट किए, और इस बार पहला अटेम्प्ट भी दिए। पहला अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, GS में अच्छा है बट CSAT में क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास 5 साल का अपना एक्सपीरियंस है इस जर्नी में, हम भी किसी ना किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के 2 साल के स्टूडेंट रहे हैं, अब ये बाद में हम बताएंगे आपको, क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब नहीं है, और उस टाइम मतलब नहीं था, वो बेवकूफ़ बने थे हम, और उसका मेरे आज के सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई हेल्प नहीं है सच्ची, क्योंकि हमको याद ही नहीं है, क्योंकि वो 2 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था, तो क्या ही बताएं। तो ये सब जो 5 साल का जर्नी हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और समझिए और सीखिए, ठीक है? क्योंकि घर में अगर कोई बड़ा भाई बहन रहता है तो हम जो छोटे भाई बहन हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो हम यही चाहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं और समझिए इस चीज़ को। तो जब हम स्टार्ट किए इस जर्नी को तो ऐसे ही जो आपको बताया ना कि नोट्स बनाना, ये PDF निकलवा लेना, ये कोचिंग का यहाँ वेस्ट कर देना पैसा, ये सब हम भी किए हैं। तो 5 साल में हम क्या क्या किए, UPSC जर्नी को ऐसे अच्छे से देखें, अटेम्प्ट भी दे दिए, UG में भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स था, PG में भी मेरा गोल्ड मेडल यानी कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? वो गोल्ड मेडल वो लोग किस हिसाब से दिए भगवान जाने, PDF आप ओपन करिएगा, 1600 का एग्ज़ाम होता है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरा मिला है 1240 नंबर, और लगभग अब 10,000 सब्सक्राइबर कहना गलत होगा, आप YouTube ओपन करिए, कम्युनिटी टैब में देखिए कितने बच्चे टॉप किए हैं। तो ये मेरा 4-5 साल का जो भी है ये चीज़ अपना ढांचा आपको बता दिया। अब आगे देखिए यहाँ पर कि आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, मतलब सारे स्टूडेंट जो भी UPSC का सोचे हैं, समझे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं से भी क्या पढ़ रहे हैं, हम आपको 2-3 चीज़ बता रहे हैं, इसको समझिए। चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट क्यों ना हो, वो आपका ठीका नहीं लिए हैं कि आप पास करिएगा कि नहीं, उनका काम है आपका सिलेबस कम्प्लीट कराना,
और बिलीव मी कि रिज़ल्ट और सिलेबस कंप्लीट में का जो डिफरेंस है ना, आपको ये खुद ही करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में आप लोग से मतलब चाहते हैं कि अगर आप लोग चाह रहे होंगे कि आपके जर्नी में हम हेल्प करें, तो ये तो एक पहला वीडियो है। हम छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में बहुत सारा वीडियो लाएंगे और हम PYQ करवाएंगे, CSAT का करवाएंगे, क्योंकि पता चला है ना कि मतलब हमको मालूम है कि हम मेरा गलती कहाँ था। हम भी सीखेंगे, हम भी तैयारी कर रहे हैं और आप भी करिए, ठीक है। बाकी UGPG तो अपना होते रहेगा, उसमें तो हम आपको देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट अभी तक कोई कोचिंग नहीं लिए हैं, और अगर आप 26 के लिए मतलब देख रहे होंगे, ट्राई कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अभी क्या करिए, अभी इस साल मतलब दिसंबर तक क्या करिए आप, कि जो जो बेसिक चीज़ है उसको कंप्लीट करिए। कैसे कंप्लीट करना है हम बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट चीज़ क्या है, आप सुनते होंगे सिलेबस सिलेबस सिलेबस। सिलेबस मतलब क्या है? ये जो अगर प्रीलिम्स का ही पहले हम बात करेंगे, तो प्रीलिम्स में सिलेबस क्या है? ऐसे सिलेबस निकाल कर क्या उसको रटना है? नहीं, इसको रटना नहीं है। इसमें मोटे मोटे तौर पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इस तरह से मोटे मोटे तौर पे आपको पता है कि GS 1 का ये सब सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक। उसके बाद है CSAT में कॉम्प्रीहेंशन, मैथ, रीजनिंग, ठीक, इतना। और फिर मैथ में टाइम वर्क, मतलब रीजनिंग में डायरेक्शन, ऐसे कैलेंडर, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक, मोटे मोटे तौर पर। अब आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट, हम फिर कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट अगर मतलब पैसे का प्रॉब्लम ना हो तो वो ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो अब हम यहाँ पे नाम किसी का हम प्रमोशन नहीं कर रहे, आप लोग समझ जाइएगा, जो सबसे सस्ता सुविधा अगर कहीं भी मिल रहा है कोचिंग अच्छे लेवल पे, प्लीज़ लोकल में कोचिंग नहीं लें। ये ऑफलाइन जो, अब मान लीजिए कि हम रहते हैं बक्सर में और बक्सर के ऑफलाइन कोचिंग में हमको ज्वाइन कर ले, भैया यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो क्या प्रीलिम्स निकाले हैं, मेंस निकाले, इंटरव्यू क्या निकाले हैं? तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप किससे पढ़ रहे हैं। अब हम बोले कि हम आपको इथिक्स पढ़ा रहे हैं, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पढ़ा नहीं सकता, उसके पास एक्सपीरियंस हो, देखे होना ना होना बात की बात है, बट इतना याद रखिएगा कि आप किससे पढ़ रहे हैं, उनकी समझ कितनी है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेस्ट मुझे लगता है, मतलब अगर आप घर पे डिसिप्लिन वे से पढ़ रहे हैं या लाइब्रेरी में, तो आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, और आज के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखिएगा, एक बस हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसलिए हम कोई इंस्टीट्यूट का नाम लिए ही नहीं है। लेट बी ए कोई इंस्टीट्यूट है, लेट बी बी इंस्टीट्यूट है, CD ऐसे करके, इसका प्राइस है मान लीजिए 10,000, इसका प्राइस है मान लीजिए 9,000, इसका प्राइस है मान लीजिए 15,000, इसका प्राइस है मान लीजिए 6,000, इसका कोई प्राइस है मान लीजिए। तो अगर किसी का भी प्राइस आपको सस्ता मिल रहा है, आप ले लीजिए, देख लीजिए कि अच्छा है और ले लीजिए। क्यों? क्योंकि सब कहीं ना कहीं सबका जो सिलेबस कंप्लीट करवाने का जो तरीका है वो कहीं 5 है तो कहीं 6 है, कहीं 7 है। इसी के मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको दम घोल के पिला देगा, और कोई ऐसा कोचिंग नहीं है जो बिल्कुल यहीं पे छोड़ देगा। तो ये अप डाउन थोड़ा सा यहाँ पे होगा, इसलिए आपको ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है। बट हाँ, 1-1.5 साल का अगर 26 के लिए करना है तो आप कोर्स ले लीजिए, और हम बिल्कुल 100% की गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स के लिए, और बिल्कुल हेल्प करेंगे, जो आप पूछिएगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट 25 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप बताइएगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए। वैसे मेरे तरफ से कल से हम खुद भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा, अगर मेरे साथ आप लोगों को पढ़ना हो तो कमेंट करिएगा कि मुझे भी आपके साथ पढ़ना है, तो फिर हम लोग एक शेड्यूल बनाकर थोड़ा सा ऐसे दिखाकर, मतलब जो हेल्प मिले, मतलब हम देना चाहेंगे, जो आप लोगों को हेल्प चाहिए हम बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। 13 मिनट हो गया, तो यहाँ पे फिर देखिए एक चीज़ फिर यहाँ पे क्या है, कोचिंग का हम बता दिए। दूसरा चीज़ कैसे पढ़ना है, अगर हम आपको स्टार्टिंग बोले कि जब अगर आप स्टूडेंट बिल्कुल न्यू हैं तो नोट्स बनाने के चक्कर में ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें, ना पढ़ें, ना पढ़ें। ये हम क्यों करें? क्योंकि हम एक खुद स्टूडेंट हैं। तो फिर क्या करना है, क्या करना है, देखिए पहला चीज़ हम बता रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, लेट एज्यूम पॉलिटी, ठीक है। तो देखिए पॉलिटी के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको तो पता चल गया कि प्रीलिम्स में जो GS पेपर 1 है उसमें पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है। अब इस पॉलिटी के लिए यूट्यूब पर, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे टीचर, फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर हम बोल रहे हैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट हैं तो हम बस अच्छे अच्छे टीचर का नाम बता रहे हैं, और आपको भी अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि ये टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे। तो हमको हिंदी मीडियम के लिए सबसे अच्छे टीचर लगते हैं मधुकर सर, सुनील सर, और भी कोई कोई टीचर होंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये सब टीचर हैं।
मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो स्टडी IQ पे एक टीचर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर आपको ओनली IAS है, स्लीपी क्लासेस है, अन अकेडमी है, बहुत सारा फिजिक्स वाला है, तो मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे टीचर हैं। आप बताइएगा तो हम ऐसे टीचर को भी रिकमेंड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक वीडियो मैराथन से नहीं, जो स्टूडेंट नए हैं मैराथन मत देखिएगा, आप पहले सीरीज़ देखिए जिसमें लगभग क्वालिटी के नाम पे 30 वीडियो है, 40 वीडियो है, 50 वीडियो है, ऐसे पूरा जो लक्ष्मीकांत पढ़ाया गया है। तो अब आपको क्या करना है कि पहले लक्ष्मीकांत का मान लीजिए बुक ओपन कर लिए, अब यहाँ पे टीचर स्टार्ट किए हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप भी अपने चैप्टर में स्टार्ट करिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको अपने बुक में देखिए, टीचर पढ़ा रहे हैं पढ़िए और बुक में सिर्फ देखिए, इसमें कुछ लाइन वगैरह कुछ नहीं करना है, तरीका बता रहे हैं पढ़ने का। पहले यहाँ से क्लास को अच्छे से समझिए, फिर आप बुक में पढ़िए। क्लास को पहला नंबर क्लास को से समझिए, हर वर्ड को हर तरीका हर वे से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट खुद ही किताब लेके बैठ जाते हैं, भैया आप उस लेवल को नहीं टच कर सकते हैं स्टार्टिंग में, आप पहले टीचर से समझिए। अगर लिखा हुआ है स्टेट तो स्टेट आपके लिए, और एक टीचर जब समझाएंगे ना, जो UPSC के टीचर होते हैं वो हर जगह से इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम इस टीचर से नहीं पढ़ेंगे या हम खुद ही से पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं आपको ये सब नहीं करना है। पहले कोई टीचर से पढ़िए उस क्लास को, और अगर आप बहुत तेज़ होंगे तो मतलब बात ही अलग है, लेकिन मेरा कहना है कि पहले आप कोई भी एक मतलब सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए कि ये हमको लेक्चर पूरा देखना है, एक एक दिन में करके देख लीजिए, दो दो दिन में करके लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। पहले है क्लास, दूसरा आपका बुक। अब बुक को भी दो तीन मतलब कम से कम दो बार तो पढ़िए ही पढ़िए, जब तीसरा बार आए तो फिर उसमें पेन से मतलब पेंसिल से अंडरलाइन ऐसे कर दीजिए, पेंसिल से नॉट पेन, मतलब ये हम आपको हम अपना बुक वगैरह दिखाएंगे तो हम तो हाई लेवल का पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब कि पेंसिल से हाईलाइट करिए, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, ऐसे कर करके, ठीक है। उसके बाद जब ये जब दो कार्य हो गया तो थर्ड आपको होमवर्क इसका क्या है कि जब ये चैप्टर पूरा आपका पॉलिटी कम्प्लीट हो गया, पूरा पॉलिटी कम, तो एक बार इसको पूरा रिवाइज भी करना है, और इसके बीच में जो सबसे मोस्ट है जो कि कोई नहीं करेगा, हमको पता है क्योंकि हम भी नहीं किए थे, लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा, तो हम आपको अभी कह रहे हैं अगर जो स्टूडेंट करना चाहें वो कर लीजिएगा, बोल रहे हैं फिर से साल बच जाएगा, बहुत साल बच जाएगा। क्या करना है बताते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपने क्लास देखा, ठीक है, मान लीजिए चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या मान लीजिए प्रीएम्बल, उसका आप बुक में पढ़ लिए प्रीएम्बल। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है कि दो चीज़ काम करना है, एक तो बुक के पीछे ही बहुत सारे MCQ दिया है वो पढ़ करिए, या आइदर आप सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है कि अभी UPSC का पेपर आपको नहीं खोलना है, अभी अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज का बता रहे हैं तो आप घटना चक्र का बुक आता है, घटना चक्र का अगर आप बोलेगा तो हम उसका PYQ भी स्टार्ट करवाएंगे, और करवाएंगे ही घटना चक्र में। मान लीजिए प्रीएम्बल चैप्टर पढ़े तो प्रीएम्बल स्टार्ट करिए, प्रीएम्बल चैप्टर, और उसका MCQ सॉल्व करिए, और देखिएगा क्या आपका ज़बरदस्त वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मतलब स्टार्टिंग में कि यहाँ पे तो कहीं पहुँचते ही नहीं है, PYQ तो देखते ही नहीं है, हम तो इसी में बस घूमे रहते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ जब पहुँचने का समय आता है तब तक एग्ज़ाम आ जाता है और नहीं होता है। तो हम इस बार अगर मेरा GS में बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है तो वो इसीलिए क्योंकि मैंने 29 ईयर का PYQ किया था, और ये दुखद बात है कि CSAT में उस लेवल का नहीं कर पाए थे, तो क्या ही बोले। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि हम 100% हेल्प करेंगे, बाकी जितना 18 मिनट हो गया जो समझाने की कोशिश की, आई थिंक अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम स्टार्ट करेंगे एक बिल्कुल अच्छे से। मेरा मेन फोकस होगा कि हमको आपको दिखाना है, जो नए बच्चे देख रहे होंगे, कि कैसे UPSC का कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाता है, कैसे अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे 30 क्वेश्चन ही सबको आता है, 70 क्वेश्चन कोई कैसे बना रहा है, ये लॉजिक सिखाएंगे, ये चीज़ हम सिखाएंगे कि कहाँ से ये सब क्वेश्चन किस तरह से आप मतलब बना सकते हैं। और फिर वही बात कि हम ये क्यों समझाएंगे, 5 ईयर एक्सपीरियंस, इस बार एग्ज़ाम भी दिए, GS का मार्क्स अच्छा भी आ रहा है, और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे जानते हैं वो मुझ पर विश्वास करते हैं,
और जब हम आपको ये सिखाएंगे, आप खुद से जब ट्राई करेगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या आज वाला सिचुएशन और उस टाइम के सिचुएशन में डिफरेंस है या नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल अलग आ गया, वो आ गया, ये, हम आपको बुक में दिखाएंगे कि कैसे PYQ से UPSC आज भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और इस बार भी जैसे 24 का भी एग्जाम आप देख लीजिए, तो एक क्वेश्चन था गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, ये PYQ है, मतलब PYQ का ही ये सवाल है, आप चेक कर सकते हैं। वैसे ही पिछले बार आया था मार्सुपियल, वो भी PYQ है। प्रेसिडेंट क्या, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको PYQ में देखेगा और हम दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हमने जितना भी इस जर्नी में सीखा है हम ज़रूर सिखाएंगे, इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच, आप लोग का बिल्कुल वेट रहेगा आपके लाइक शेयर कमेंट का। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल हम 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाना चाहते हैं, 26 वाले के लिए बनाते हैं और कंटिन्यू बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम ग्रेजुएशन किए तो आप लोग को, मतलब हम भी किए और आप लोग को भी टॉप करवाएं। जो स्टूडेंट मुझे जानते होंगे, देख ही रहे होंगे, हम भी PG किए, सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाए PPU में, फिर आप लोग को भी करवाएं। हम वेट नहीं किए कि हम जिस दिन बन जाएंगे उस दिन करेंगे, तो यही चीज़ फिर हम UPSC में क्यों वेट करेंगे, जिस दिन बन जाएंगे उस दिन करवाएं। जब वो भी चालू हो गया, इसका भी अच्छे से मेरे पास मतलब अनुभव हो गया है, सो वेट ना करते हुए अब चालू सीरीज स्टार्ट होगा UPSC, BPSC और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।